जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF ने अपना रिपोर्ट जारी किया है कि भारत में टॉप 100 यूनिवर्सिटीज कौन हैं, भारत के टॉप 100 कॉलेजेस कौन हैं और भारत के टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेज कौन हैं, लॉ कॉलेज कौन से हैं, मेडिकल कॉलेज कौन से हैं। एक्चुअली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क हर साल हिंदुस्तान के टॉप कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के रैंकिंग जारी करती है, जो कि रिसेंटली ये रैंकिंग जारी किया गया है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि कौन से यूनिवर्सिटी ने टॉप किया, कौन से कॉलेज ने टॉप किया, लॉ कॉलेज में कौन से कॉलेज को टॉप कॉलेज में रखा गया, वन बाई वन देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि एक बैड न्यूज़, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इंडिया के टॉप 100 कॉलेज में एक भी कॉलेज यूपी का नहीं है। यहाँ दोस्तों कड़वा है लेकिन सत्य है कि इंडिया के टॉप 100 कॉलेज में, तो शुरुआत कर लेंगे वहीं से। आइए देखते हैं कि टॉप 100 कॉलेज में कौन से कोई कॉलेज टॉप पे रहा है। तो फिर आइए देखते हैं, NIRF की ये ऑफिशियल वेबसाइट है बच्चों, यहाँ पे आके आप सारी डिटेल्स आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। तो अगर हम कॉलेज की बात करें, टॉप 100 कॉलेजेस की बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे कॉलेज दिल्ली का है, जिसे 74.81 के साथ फर्स्ट रैंक यहाँ पे मिला है। कॉलेज का नाम है दोस्तों मिरांडा हाउस। सेकंड कॉलेज पे हिंदू कॉलेज दिल्ली से ही सेकंड कॉलेज पे है, और थर्ड कॉलेज चेन्नई से है प्रेसिडेंसीज कॉलेज। और फोर्थ रैंक की बात करें दोस्तों तो कोयम्बटूर की कॉलेज है PSR क्रिस्टमल कॉलेज फॉर वुमेन। और पाँचवें नंबर पर कोलकाता की कंपनी सेंट जेवियर्स कॉलेज। छठे नंबर की बात करें तो फिर से दिल्ली का आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, और सातवें नंबर पे चेन्नई का लॉयला कॉलेज, आठवें नंबर पे कोलकाता का रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सेंट्री कॉलेज, नौवें नंबर पे फिर से दिल्ली, दसवें नंबर दोनों रैंकिंग समान है, दिल्ली। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें दोस्तों, टॉप अगर आप 14 कॉलेज में देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर टॉप 15 कॉलेज की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं वो आपको दिल्ली के दिखाई देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टॉप 14 में, मतलब 14 में 9 कॉलेजेस जो हैं वो टोटल यहाँ पे दिल्ली के हैं। तो जब मैं बात कर रहा था यूपी की, तो ज़रा एक बार स्टेट वाइज देख लेते हैं कि क्या यूपी का कोई स्टेट आ रहा है। तो यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो 11 तक तो कोई स्टेट यूपी का कोई कॉलेज नहीं दिखा। आइए ज़रा और नीचे चलते हैं, तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, केरला, तमिलनाडु, हरियाणा, वेस्ट बंगाल। इस तरीके से अगर हम नीचे आते जाएंगे, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, बिहार का भी कोई कॉलेज है या नहीं ये देखने वाली बात होगी। गुजरात का एक कॉलेज है दोस्तों अहमदाबाद में। कौन सा कॉलेज है गुजरात में? सेंट जेवियर्स कॉलेज गुजरात अहमदाबाद। और तेलंगाना, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। तो जी हाँ, आपने देखा कि यहाँ पे कोई भी कॉलेज उत्तर प्रदेश का नहीं दिखाई देगा आपको। अगर हैदराबाद, तेलंगाना की बात करें तो सेंट फ्रांसिस कॉलेज फॉर वुमेन। ओके, तो ये दोस्तों ये हमारे रैंकिंग है। इस रैंकिंग में यूपी और बिहार का कोई भी कॉलेज नहीं है। तो ये है टॉप 100 रैंकिंग दोस्तों, टॉप 100 रैंकिंग कॉलेज, जिसमें दिल्ली का कॉलेज ने टॉप करा है। चलिए कुछ इसी प्रकार से देखते हैं, अब हम कुछ और देखेंगे। जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें कि कौन से यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, तो उसमें टॉप 10 में दो यूनिवर्सिटीज़ उत्तर प्रदेश की आपको मिलेंगी। तो यूनिवर्सिटीज़ की बात करें टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, तो पहले नंबर पे IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कर्नाटका बेंगलुरु की यूनिवर्सिटीज़ है जो कि टॉप पे है। सेकंड पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, JNU जो कि हर बार फेमस होता है, कई बार चर्चा में रहता है, विवादों में रहता है। तो NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के शेयर किए गए डेटा के अनुसार JNU को दूसरे रैंकिंग पे रखा गया है। तीसरे पे जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, चौथे पे जोधपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, और पांचवें नंबर पे दोस्तों उत्तर प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पांचवें नंबर पे है। और छठे नंबर पे दोस्तों मणिपाल एकेडमी हायर एजुकेशन मणिपाल कर्नाटका, सातवें नंबर पे अमृता विश्वास ये तमिलनाडु की कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ है, आठवें नंबर पे दोस्तों फिर तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी है, नौवें नंबर पे आपको फिर से मिलेगा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी यानी AMU उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है। तो इस तरीके से फिर दसवें नंबर पे तेलंगाना हैदराबाद की यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो यहाँ तक देखेंगे टॉप 10 में अगर दो यूनिवर्सिटीज़ आपको उत्तर प्रदेश की मिल जाएंगी, लेकिन कॉलेजेस में एक भी नहीं मिली है। ऐसे ही अगर आप अन्ना यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, 14वें नंबर पे है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, दिल्ली DU की बात करें, DU 11वें नंबर पे है।
तो ये दोस्तों टॉप 100 रैंकिंग है और बिहार का तो मुझे एक भी नहीं दिखा, ये बड़े अफसोस की बात है। तो चलिए कुछ इस प्रकार से डेटा यहाँ पे रहा, कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लॉ कॉलेजेस की बात करें कि लॉ कॉलेज में जैसे आप अगर खुद से भी चेक करना चाहें तो आप यूनिवर्सिटीज चेक कर सकते हैं, कॉलेज चेक कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज चेक कर सकते हैं, मैनेजमेंट कॉलेज चेक कर सकते हैं, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, लॉ की बात करें। अभी ज़रा लॉ कॉलेज को चेक करते हैं कि लॉ कॉलेज में कौन सा कॉलेज टॉप पे है और क्या इसमें किसी उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी की जगह रहती है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी कर्नाटका फर्स्ट रैंक पे आती है, काफ़ी पीछे छोड़ रहा है इन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली को। निसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद तेलंगाना तीसरे नंबर पे है। वेस्ट बंगाल का द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस चौथे नंबर पे है। दिल्ली का जामिया मिलिया इस्लामिया फिर से पाँचवें नंबर पे है। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का पहला जो है दोस्तों 10वें नंबर पे है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। लॉ यूनिवर्सिटीज़ के चक्कर में लॉ यूनिवर्सिटी की लिस्ट में भी 10वें नंबर पे यहाँ आपको नज़र आएगा। अलीगढ़ भी आपको यहाँ पे 14 नंबर पे दिखाई देगा बच्चों, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी लॉ के मामले में 14 नंबर पे दिखाई देगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ, काश ये अयोध्या रहता तो हमें बड़ी खुशी होती, मगर फिर भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी लखनऊ यहाँ पे 21वें नंबर पे है। बनारस में BHU भी 22वें नंबर पे है। तो ये दोस्तों लॉ यूनिवर्सिटीज़ और लॉ की बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट कुछ और हम अगर डेटा देखना चाहें, अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में तो डेफिनेटली IITs कॉलेज होने वाले हैं। तो अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें, देखिए पहले पे IIT मद्रास, जी हाँ IIT मद्रास है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे IIT दिल्ली, तीसरे पे IIT बॉम्बे, चौथे पे IIT कानपुर, पाँचवें पे IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी, हैदराबाद, NIT तिरुचिरापल्ली, जादवपुर यूनिवर्सिटीज़। तो इस तरीके से इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, क्या कोई आपको IIT कानपुर यहाँ पे उत्तर प्रदेश को देखने को मिलेगा आपके चौथे रैंक पे। तो दोस्तों IIT कानपुर नो डाउट एक बेहतरीन कॉलेज है, IIT कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन लेना आसान नहीं होता। तो दोस्तों ये रही पूरी डेटा, अगर आप यहां से चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। टॉप मैनेजमेंट कॉलेज की बात करें तो आइए ज़रा मैनेजमेंट कॉलेज को देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद गुजरात, अगर इसमें उत्तर प्रदेश का इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, ओके इंस्टीट्यूट ऑफ IIM लखनऊ यहाँ पे छठे नंबर पे आएगा टॉप 100 मैनेजमेंट कॉलेजेस की बात करें। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ डेटा निकल के आया इंटरेस्टिंग, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। मुझे बहुत खुशी होती है अगर अपना यूनिवर्सिटी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी इस टॉप 100 में कोई जगह बना पाता तो हमें बहुत खुशी होती। अगर फार्मेसी कॉलेज की बात करें, शायद फार्मेसी में अपना कुछ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का आ जाए। चलिए तेलंगाना का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार मेडिकल एजुकेशन रिसर्च हैदराबाद पहले नंबर पर है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर हम ज़रा चेक करें दोस्तों फार्मेसी में, तो फार्मेसी में पहला उत्तर प्रदेश लखनऊ का आपको मिलेगा, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च रायबरेली लखनऊ। ये दोस्तों डेटा है, मैं आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ कहाँ से चेक करना है। आपको सिंपल सर्च करना है दोस्तों NIRF, जैसे ही आप NIRF सर्च करते हैं दोस्तों NIRF सर्च करते हैं आप सीधा NIRF के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ देखेंगे आपको दिखाई देगा इंडियन रैंकिंग 2030 रिजल्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और ये कोई ऐसा डेटा नहीं कि कोई छोटी सी पार्टीज़ या कोई प्राइवेट पार्टीज़ ये रिलीज करती, नहीं, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलीज की जाती है। तो देखेंगे रैंकिंग 2023 रिजल्ट देखेंगे तो ये पूरा डेटा खुल के आ जाएगा। यहाँ से आप जिस भी कॉलेज का, जिस भी यूनिवर्सिटी का, जिस भी चीज़ का आप रैंकिंग देखना चाहते हैं टॉप 100 का, चाहे आप चाहे तो आप ओवरऑल में जाएँ, ओवरऑल में किसने टॉप करा है, ओवरऑल में दोस्तों सबसे ज़्यादा रैंकिंग किसको मिले, सबसे ज़्यादा पॉइंट किसको मिले हैं, तो दोस्तों वो है IIT मद्रास को मिला है। ठीक है, फिर उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर की, जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे सारे कॉलेजेस हैं। तो ये ओवरऑल की बात हुई, बाकी सेपरेटली यहाँ पे दिखाया गया। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। एक अच्छी सूचना थी, एक अच्छी जानकारी थी, हर एक विद्यार्थी को समझना चाहिए, जानना चाहिए और चीज़ें खुद से भी देखनी चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को फिलहाल लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय दे दीजिए, उसके बाद तुरंत जाइए NIRF के ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहाँ से ज़रा आप भी रिसर्च करिए, आप भी चेक करिए और देखिए क्या पता आपका कहीं कॉलेज और आपकी यूनिवर्सिटी उस लिस्ट में मौजूद हो तो बहुत बहुत मुबारकबाद, नहीं मौजूद हो तो अगली बार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी करिए, अगर नहीं जुड़े चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत।